आज फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी रविवार 24 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज होली उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। जो दृश्य अभी आप इस क्रम में देखेंगे वे सभी दिव्य शंखनाद के संकलन से गत वर्षों के हैं। आइए अब आज की प्रस्तुति की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रभु श्री जी की होली तैयार हो चुकी है। इसका प्रदीपन कल फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रातः 6:36 से पूर्व किया जाएगा। श्रीनाथ जी मंदिर की इस होली के प्रदीपन के साथ ही धमार भी प्रारंभ हो जाएगी। प्रभु श्री जी की नगरी में भी धूलेंडी, जिसे धूली वंदन भी कहते हैं, धूमधाम से मनाया जाएगा। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रभु श्री जी की नगरी में अधिकांशतः गुलाल अबीर एवं सूखे रंगों से ही होली पूर्णतः प्रेम एवं हर्षोल्लास से मनाई जाती है। इसके साथ ही प्रभु श्री जी में डोलोत्सव की परंपराएं भी प्रारंभ हो जाएंगी। यह एक विशेष और गोपनीय उत्सव है जिसकी जानकारी हम इस प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के पश्चात करेंगे। डोलोत्सव के पश्चात प्रभु श्री जी में सायंकाल में एक विशेष क्रम और होता है जिसमें बादशाह की सवारी निकलती है और बादशाह प्रभु श्री जी के मंदिर रास्ते भर स्थानीय निवासियों, ब्रजवासियों और वैष्णवों की वह गारियां खाता रहता है और मंदिर पहुंचकर सूरज पोल की सीढ़ियों से प्रभु श्री जी को दंडवत प्रणाम करता है। तत्पश्चात अपने दाढ़ी से सूरज पोल की इन सीढ़ियों को साफ करता हुआ उल्टा उतरता है। यहां से निकलकर पुनः नगर के बाजारों एवं गलियों से होते हुए बादशाह अपने नियत स्थल अर्थात गुजरपुरा स्थित अपने आवास पर पहुंच जाता है। इसके साथ ही होली डोलोत्सव आदि को सम्मिलित करते हुए 40 दिवसीय वसंतोत्सव विराम ले लेगा। क्योंकि प्रभु श्री जी के होली उत्सव के दर्शन सेवाक्रम एवं भावना को हम कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, अतः आज केवल होली उत्सव के प्रभु के दर्शन रखे हैं, परंतु साथ में डोलोत्सव की भावना, सेवाक्रम एवं प्रभु के दर्शन भी रखे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को प्रभु श्री जी में द्वितीया पाठ उत्सव है। कल होली का प्रदीपन, धूलि वंदन, डोलोत्सव एवं बादशाह की सवारी जैसे विशिष्ट आयोजनों का संकलन करने के लिए कल के दिवस अर्थात डोलोत्सव के दिन दिव्य शंखनाद की प्रस्तुति का अवकाश रहेगा। आप सभी को इन सभी उत्सवों की पुनः खूब खूब बधाइयाँ। जय श्री कृष्ण। आइए कुश्ती मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
डोल देख ब्रज बासी फूल हरि को डोल दे डोल देख ब्रज पासी फूले हरि को। श्री जी की साज सज्जा में आज राजभोग में सफेद मलमल की सादा पिछवाई सजाई जाती है, जिसके ऊपर गुलाल व अबीर से भारी खेल किया जाता है। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिन पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी के सन्मुख रखे जाने वाले दो पड़गा में से एक पड़गा पर प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में होली की दंडवत प्रणाम करते हुए आइए दर्शन करते हैं। राजभोग के खेल में पिछवाई को गुलाल से पूरा रंग दिया जाता है और उस पर अबीर से चिड़िया मांडी जाती है। चंदवा पर चंदन छाटा जाता है। श्री जी की दाढ़ी पर तीन बिंदी लगाई जाती हैं। साथ ही प्रभु के सन्मुख चार पान के बीड़ा सिकोरी, जिसे हम स्वर्ण का जालीदार पात्र भी कह सकते हैं, उसमें रखे जाते हैं। हालांकि खेल इतना अधिक होता है कि पिछवाई और साज का मूल रंग दिखाई ही नहीं पड़ता है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को सफेद लट्ठा के वस्त्र ही धराए जाते हैं, जिसमें सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। इसके साथ पटका आज प्रभु को मोठड़ा का धराया जाता है, जिसके दोनों छोर आगे की ओर रहते हैं। सभी वस्त्रों पर गुलाल, अबीर, चंदन एवं चौवा से भारी खेल किया जाता है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को पीठिका पर लाल रंग के धराए जाते हैं, जिन पर भी गुलाल अबीर आदि से खेल किया जाता है। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को मध्य का अर्थात छेड़ान से दो अंगुल नीचे तक का हल्का फाल्गुन का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण लाल, हरे, सफेद व मेघ श्याम मीणा के जड़ाऊ स्वर्ण के धराए जाते हैं। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को सफेद छज्जेदार श्याम झाई वाली पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर हरा पट्टीदार सिरपेच, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाई ओर शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। आज के विशेष श्रृंगारों में प्रभु को श्रीकंठ में सात पदक व नौ माला जी धराई जाती हैं। दो माला अक्का जी वाली भी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुलाबी पुष्पों की, विविध पुष्पों की सुंदर कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, स्वर्ण के वेणु जी एवं कटी पर दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक स्वर्ण के बटदार व एक नाहर मुखी होते हैं। आज विशेष रूप से पिटिका के ऊपर भी गुलाब के पुष्पों की एक मोटी माला जी धराई जाती हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आदि उत्सववत मिलवा धराई जाती हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट चीड़का व गोटी चांदी की पधराई जाती है। आरसी दोनों समय प्रभु को बड़ी डांडी की दिखाई जाती है। हालांकि भारी खेल के कारण सभी श्रृंगार रंगों से सराबोर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की छटा बड़ी अद्भुत प्रतीत होती है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ व श्रीमस्तक के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लोमतुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। इसके साथ आज गठेली की हमेल धराई जाती है। श्री जी की अद्भुत परंपरा में होली के उत्सव के दिन शयन के दर्शन में परंपरागत रूप से श्री गोवर्धन धरन की दाढ़ी रंगी जाती है, अर्थात प्रेम से प्रभु की दाढ़ी पर गुलाल लगाकर डोलोत्सव की परंपरागत शुरुआत की जाती है। इस बार संयोग कुछ ऐसा है कि डोलोत्सव
चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को होगा, परंतु प्रभु की दाढ़ी आज शयन में ही रंगी जाएगी। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में हो होरी खेलन जाइए, अभ्यंग में खेलिए सुंदर लाल होरी, राजभोग में मदन गोपाल झूलत डोल, अद्भुत डोल बनी हरि को डोल देख ब्रजवासी फूले, आरती में कछु दिन नियरे ही रहो हरी होरी है, शयन में ढोटा दो राय के खेलत डोलत, गुलाल उड़े को भलो बुरो न माने, पोढ़वे में गोकुल सकल ग्वालिनी सब मिल, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। राजभोग एवं शयन में भारी खेल के साथ पोटली से गुलाल उड़ाई जाती है, जिससे सराबोर होकर वैष्णवजन आनंदित एवं अभिभूत होते हैं। आज अमर्यादा वाली गारियां भी गाई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार 25 मार्च 2024 के प्रभु श्री जी में डोलोत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु के दर्शन करते हैं। डोलोत्सव के दर्शन की यह वीडियो क्लिपिंग हमने श्रीनाथ जी मंदिर मंडल एवं श्री तिलकायत परिवार से साभार ली हैं। प्रभु श्री जी में डोलोत्सव की अद्भुत भावना है और विशिष्ट सेवा क्रम है। डोलोत्सव संपन्न होने के साथ ही प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में कई परिवर्तन हो जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को प्रभु श्री जी में द्वितीय पाठ उत्सव है और वसंतोत्सव के पश्चात अब प्रभु में निकुंज की लीलाएं प्रारंभ हो जाएंगी। डोलोत्सव के कुछ भाव आपके साथ साझा करते हैं। डोलोत्सव अत्यंत गोपनीय लीला है। इस लीला में निकुंज भाव से वृंदावन की तरहटी, जहाँ सुंदर झरने झरते रहते हैं, जहाँ सदा वसंत रहते हैं, जहाँ शीतल मंद सुगंध त्रिविध बहती है, अनेक वनस्पति माधुरी लता द्रुमवेली पुष्पयुक्त फल से डोल बने हैं, अपने पुत्र को पधरा कर प्रार्थना करते हैं नंदराय जी और यशोदा जी। वात्सल्य रस के साथ आप प्रार्थना में कहते हैं कि यह व्रज वृंदावन गोवर्धन यमुना गोकुल संबंधी जितनी लीला वस्तुएं हैं उन सब के भोक्ता आप हैं। आप ही की आज्ञा से यह सब पदार्थ अति अलौकिक हैं, इसलिए पुष्प फल अंगीकार कीजिए। डोलोत्सव के मिस अर्थात डोलोत्सव के बहाने इन सब को अंगीकार प्रभु करते हैं, इसलिए पुष्प फल उन्होंने अंगीकार किए हैं डोलोत्सव के बहाने ही सही। ये सभी वृक्षादि वनस्पति भगवदीय हैं और सब ठिकाने के हैं। आज के प्रभु के इस भाव के कारण ही आपका एक नाम भक्त मनोरथ पुरकाय नमः रखा हुआ है। ऐसे भगवदियों को जानकर ही आपने श्री गोवर्धन पर श्री कुंजन में गोकुल में यमुना पुलिन में डोल किए हैं। यही कारण है कि प्रभु श्री जी तीन समय डोल झूलते हैं। इन चारों स्थलों के डोल लीला के अत्यंत गूढ़ भाव हैं। गुरु शरणागति एवं गुरु सानिध्य ही इसका विवरण आपको बता सकते हैं। आज के इस मनोरथ के मूल भाव में सभी गोपियों का मनोरथ सिद्ध होना है। यदि सामान्य भाषा में मैं कहना चाहूँ तो होली के बाद यह डोलोत्सव प्रभु श्री जी में मनाया जाता है। सघन निकुंज की भावना है और उसमें सखियों गोपियों यहाँ तक कि नंदराय जी और यशोदा जी का भी भाव है। प्रभु डोल झूलते हैं और इस लीला में भी मूल तत्व प्रेम ही है। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी में डोलोत्सव की सेवा प्रणालिका को भी देख लेते हैं, प्रभु के दर्शन भी कर लेते हैं। क्योंकि आज महामहोत्सव है, प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की सभी दहलीज की पूजन करके हल्दी से लीपा जाता है, मांडा जाता है। सभी द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है, हांडी आती हैं, उत्सव क्रम पूरा किया जाता है। आज पूरे दिन झारी जी में यमुना जल भरा जाता है
आरती थाली में की जाती है। आज भी प्रभु को वस्त्रों में सफेद लट्ठा का सूथन, घेरदार वागा तथा चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र लाल धराए जाते हैं। आज भी पिछवाई श्वेत ही आएगी, पर खंड वाली आएगी। सभी वस्त्रों पर गुलाल अबीर एवं चौवा आदि से भारी खेल किया जाता है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। गुलाल खेल आज भी इतना भारी होता है कि पिछवाई और साज का मूल रंग दिखाई ही नहीं पड़ता है। आज प्रभु को वनमाला का पूरा श्रृंगार धराया जाएगा। श्रीमस्तक पर प्रभु के सफेद छज्जेदार श्याम झाई वाली पाक के ऊपर हरा पट्टीदार सिर पेच, मोर पंख की सादी चत्रिका एवं बाई और शीश फूल धराए जाएंगे। श्री कर्ण में आज चार कर्ण फूल प्रभु को धराए जाएंगे। श्रीकंठ में उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाएगा। अक्का जी की माला धराई जाएंगी। दो सुंदर थाक वाली माला जी भी धराई जाएंगी। श्रीहस्त में पुष्प छड़ी स्वर्ण के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाएंगे। पट चीड़ का वह गोटी चांदी की आएगी। आइए अब थोड़ा दर्शनों का क्रम देखते हैं। राजभोग सरने के पश्चात मंदिर को धोया जाता है। फिर श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ीले लाल संपुट में पधारते हैं। पधारते ही श्री जी की गोद में विराजते हैं। फिर सूक्ष्म खेल होता है, यह भीतर ही होता है, दर्शन नहीं खुलते हैं। फिर आरती होती है, पुनः पट बंद हो जाता है। फिर डोल का अधिवासन किया जाता है। तत्पश्चात डोल में श्री नवनीत प्रिया जी पधारते हैं, भोग आते हैं। समय आने पर भोग सरा लिए जाते हैं, तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं। प्रभु के सन्मुख ही बीड़ा अरोगाया जाता है। फिर खेल होता है, भारी खेल होता है। फिर आरती होती है, धूप दीप होते हैं, फिर भोग आते हैं। ऐसे ही श्री नवनीत प्रिया जी में भी होता है। जब छेला भोग आ जाते हैं, तब श्री जी की गोद में प्रिया जी वापिस पधारते हैं। फिर शामिल में खेल होता है, आरती होती है। फिर गोस्वामी बालक खेलते हैं, सेवक खेलते हैं, कीर्तनिया भी खेलते हैं। फिर श्री नवनीत प्रिया जी संपुट में ही पधारते हैं। यहाँ मंदिर फिर धोया जाता है। इतने में ही उत्थापन के दर्शनों को मान लिया जाता है। अब संध्याकालीन सेवा प्रणाली का देखते हैं प्रभु की। मंदिर धुल जाने के बाद गुलाल पूरी निकाल दी जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को गुलाल निकालकर दग्गल खीन खाप का धराया जाता है। जड़ाऊ हीरे मोती के आभूषण धराए जाते हैं। कर्ण फूल एक लड़वाले धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर कूल्हे धराए जाते हैं। बड़ी गुलाब की माला दग्गल में आज ही के दिन धराई जाती है। जब सब जगह से गुलाल निकल जाती है, तत्पश्चात उत्थापन के भोग आते हैं। भोग आरती शामिल होती है, शयन भीतर ही होते हैं। फिर प्रभु को अनवसर होते हैं और प्रभु पोड़ने पधार जाते हैं। दोनों घरों के कीर्तनिया डोल तिवारी में ही कीर्तन गाते हैं। जब लाड़ले लाल प्रभु नवनीत भीतर पधार जाते हैं, तब भीतर कीर्तन किए जाते हैं। खेल का साज आज शैया मंदिर में ही आता है, क्योंकि आज श्री स्वामिनी जी के अधिकार में प्रभु हैं। दोस्तों, प्रभु श्रीनाथ जी की यह अद्भुत सेवा प्रणाली का है। डोल उत्सव की कुछ और विशेषताएं भी हैं, जैसे कि डोल उत्सव के तहत प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग धराया जाता है, जो रसोई, बाल भोग, दूध घर, शाक घर आदि में सिद्ध होकर प्रभु के सम्मुख पधराई जाती हैं। इसके साथ ही डोल उत्सव के दिन प्रभु के दर्शनों का भी विशेष क्रम रहता है। प्रातः केवल मंगला के दर्शन खुलते हैं, तत्पश्चात दोपहर में राजभोग के दर्शन खुलते हैं। राजभोग डोल उत्सव के दिन चार होते हैं, यह निरंतर क्रम में होते रहते हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है और उसकी ये चंद विशेषताएं हैं। हम प्रयास करेंगे आगे अधिक जानकारियां और प्रदान कर सकें। पुनः बधाइयां। अब देश विदेश के पुष्टिमार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ऐसो होरी को खिलवार मेरी चुनर डाली फार, ऐसो होरी को खिलवार आर, ऐसो होरी को खिलवार मेरी चुनर डारी पार, ऐसो होरी को खिलवार
जी चूंदर डारी पार मेरी सुनर डारी पार सुनर डारी पार मेरी सुनर डारी पार ऐसो हार ऐसो होरी को खिलवार में झूनर हारी झूनर डारी डारी पार मेरी झूनर डारी पार मेरी झूनर डारी पार ऐसो होरी को वो तीन माल गले सो तोरी सुनर मो सारी रंग में बोरी वो तीन माल गले की तोड़ी सुनर पाड़ी मोतीन माल गरे सो तोरी सुनर सारी रंग में बोरी मोतीन माल गले की तोड़ी सुनर ए घूम घूम मूठा मारे माँ मेरी चूनर डारी पार घूम घूम मूठा मारे माँ मेरी पार तो पूरी को दिलवार चुनर डारी पार तो पूरी को दिलवार अरे मेरी चुनर डारी पार मेरी चुनर डारी निडर भयो बनवारी तक तक मारे नन पिचकारी ऐसो निडर भयो बनवारी तक तक मारत है पिचकारी ऐसो निडर भयो बनवारी तक तक मारे नन पिचकारी ऐसो निडर भयो बनवारी तक तक मारत है पिचकारी कर सो घूंघट पट देता मेरी चूनर डारी पार कर सो घूंघट पट देता मेरी चूनर डारी पार ऐसो होरी को किलवार हर भर झोर अबीर उड़ावे केसर कीच कुचन में लावे भर भर झोर उड़ावे केसर कीच कुचन पर लावे भर भर झोर अबीर आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा धन्यवाद जय श्री कृष्ण